हम कहे उपाय करें, हम चाह रहे जयमाल हो जाए लेकिन उपाय हम क्यों करें? तो नहीं, उपाय तुम ही करो। तो उपाय तुम ही करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा उपाय करेंगे फायदा होगा कुछ तो तोहरो ब्याह कह दिए। तुम अगर जयमाल में मदद करोगे तो तुम्हारा भी यहीं पर विवाह हो जाएगा। लक्ष्मण जी तुरंत साष्टांग दंडवत कर लिए राम जी को। राम जी कहे कि यही कहा था कि झुकूं झुकिएगा मत भैया, आइए चाणक्य बिन मौसम बरसात, हमेशा साथी में साष्टांग दंडवत क्यों करने लगा? राम जी उठाने के लिए झुके, सिए जयमाल राम उर्मेली, मां जानकी जी ने जयमाल डाल दिया। अनेक गीत गा रही थी अलिया सखियां, किसी ने कहा नहीं यह घटना नहीं घटी। तो क्या घटी? तो एक संत ने कहा कि अभी जयमाल पड़ा ही नहीं था गले में, तब तक सखिया गाने लगी कि राम जी के गले में हार कितना सुंदर है। राम जी ऐसे देखने लगे, कहा हार है, तब तक जानकी जी ने डाल दिया। चतुर सखी जो थी गाँव छवि अवलोक की सहेली, छवि जब गाने लगे बखान करने लगी अवलोकन करने लगी गाने लगी, राम जी देखने के लिए झुके, तब तक मां जानकी जी ने जयमाल डाल दिया और झुककर प्रणाम करने के लिए बैठी। लेकिन प्रणाम भी डर कर भैया जानकी नहीं कर रही है, क्योंकि अभी इन्हीं के चरण रज से एक पत्थर से नारी बन गई। चरण का चमत्कार है, कभी चरण से गंगा निकल जाती है। हमारा हथवा में सब एको का अंगूठी में एको का पत्थर, मैं ये जानकी सोच रही कि हाथ में अनेकों अंगूठी है और सब अंगूठिया में एको का पत्थर, और कहीं स्पर्श करें तो पांच में सब ये बात खा हो जा। डर कर प्रणाम नहीं की, हाथ की उंगली में एक एक में माणिक पुखराज ये नीलम महंगे महंगे कीमती पत्थर हैं, और कहीं मैंने स्पर्श कर लिया तो इसका कहीं दुष्प्रभाव ना हो जाए, ऐसा सोच करके नहीं कर रही हैं। राम जी मन में मुस्काए, मन से कहा क्यों लीला कर रही हैं देवी, ऐसा थोड़े हुआ। तो प्रणाम किया, फिर अपने अपने आसन पर बैठाया गया। बैठाने के बाद यहां तो कार्य पूरा हो गया, लेकिन अब तो शादी करना ही पड़ेगा। लेकिन शादी हो तो कैसे हो? अब तो उसके लिए लड़के के गार्जियन की आवश्यकता पड़ेगी, बारात आएगा तो हां लाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, पत्र लिखा गया जनक जी के दरबार से अयोध्या नरेश के पास, और वह दूत को भेजा गया। दूत जा करके वहां पहुंचा और पत्री जो था दिखाया, दशरथ जी को दिखाया। दशरथ जी ने पूछा क्या है, कैसा पत्र है? तो दूत कह रहा है पत्र की कैसा है कि मैं जनक का दरबार का दूत हूं और एक पाती लेकर आया हूं, पत्र को पाती भी कहते हैं। क्या कह रहा है दूत कि हम तो पाती लेके आईनी ओ पार से, बिहार से उत्तर प्रदेश में, कि हम तो पाती लेके आईनी ओ पार से जनक दरबार से, कि हम जनक जी के द्वार से।
कल ही हम निवेदन करे थे अपन पति के नामे ना लोग लेत रहे। एगो माई तो ऐसन रही चिट्ठी लिख देली, वो चिट्ठियों पर नामो ना लिखली पति के। अब वो चिट्ठी खाली जगह के नाम लिखल रहे कि फलना दानापुर रेलवे क्वार्टर में, और डाकिया ले गया क्वार्टर में, और उसके कुछ नाम ही नहीं। अब चारों तरफ घूमे किसका किसकी पत्री है, किसकी पत्री है, किसकी पत्री है, कोई बोले ही नहीं ये किसकी पत्री है, पता है पत्र है किसका पत्र है, कोई नहीं बोले। एक व्यक्ति को पता लगा, दौड़ा दौड़ा आया, कहा ये मेरा पाता है, ये मेरा पत्र है और इस पर मेरा पता है। डाकिया ने कहा सब पता होता किसी का नहीं लिखा हुआ है। उसने कहा व्यक्ति ने कि यही मेरा पता है, इस पर पता नहीं लिखा हुआ है। तो डाकी ने कहा लेकिन फिर भी आपको कहा प्रमाण देना पड़ेगा, कहीं दूसरे का ना हो। कहा इसका यही प्रमाण है, कहीं उस पत्र में देखिए छेद किया हुआ है। कहा इतना बड़ा कलम से छेद किया था, और कहीं लाल देखिए रंग है। कहा तो बस ई आदमिया के नाम छेदिए लाल हो, छेद ला छेदी लाल, ये हमारा पाता। तो उनकर पत्नी और सही चिट्ठी लिखत रहे, लिखतो ना रहे नाम भी पति का, लेने की कौन कहे। लेकिन भरत जी ने पूछा ये कहां से पत्र आया है, तो जनकपुर से। लेकर के पढ़ने लगे, आनंद में हो गए कि बारात लेके जाना है, भैया का विवाह है। लगा रथ सजने, सबके लिए गाड़ियां आ गई, रथ आ गए, जिसकी जैसी व्यवस्था बनी सबके लिए बनाया गया, और दो रथ सुंदर सजाया गया, एक पुरोहित गुरु वशिष्ठ के लिए, और उसके बाद एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के लिए। आज का परिवेश विडंबना वाला है, उल्टा ही है। आज बारात में दुल्हा स्कॉर्पियो से, दुल्हा के बाबू बोलेरो से, दुल्हा के मौसा सफारी से, कोई कोई गाड़ी से, कोई कोई गाड़ी से। आप पंडित जी साइकिल खटारक खटारक कहिए पहुंचे हैं जजमान नहीं है, तो कहिए जजमान का ही बाबा एहजे बानी बोलिया लॉज में बारात चले के बाद हमारा निकली लेट हुई साइकिल से, हमें पीछे बारात आवा था। आज की मनोदशा ऐसी है। लेकिन वहां दशरथ जी के यहां गुरु वशिष्ठ के लिए सबसे बढ़िया पुरोहित के लिए बढ़िया रथ सजा, और तब दशरथ जी का, और सब लाइन से बारात जाने लगा। बारात जाने का एक अलग मौज है, बेटे पक्ष को मूछ ऐंठ के जाते हैं, हम बेटे वाले हैं। सारी बारात मूछ ऐंठ के जा रही थी भीड़ में, आनंद था। यूपी से निकली बारात, बिहार में जैसे ही एंट्री किया और मुछवा काड़ा कर लिया। लेकिन बिहार हो और सब अगवानी में खड़े थे कि राम जी की बारात आएगी तो मजाक करना है। लोगों ने पूछा कहां से बारात आ रही है, सब मुछ पहाक रखे अयोध्या से, लड़के वाले हैं, कहां से आ रही है अयोध्या से, कहां जाएगी जनकपुर। अच्छा केकर शादी बा, दुल्हा गायब, बिना दुल्हे के बारात, मुछवा तुरंत डाउन हो गया। ऐसा क्वेश्चन जब आया कि दुल्हावा कहां है, और तो जनकपुर बारात जा रही है और अयोध्या से बारात आ रही है, लेकिन दुल्हा कहां है, तब तो कोई बोल भी नहीं कि मुछ डाउन हो गया। अब सबने अपने में शुरू किया वार्तालाप कि कोई क्वेश्चन कर रहा है दुल्हा कहां है, तो हम नरमा जा रहे हैं, और
कहा, आपस में बात करते करते भरत जी के पास मैसेज गया कि सभी लोग तो पूछ रहे थे कि दुल्हा कहाँ है, तो बड़ा हम लोग का मन छोट हो जा रहा है। ये बात दशरथ जी के कान में गया। दशरथ जी ने कहा, गुरु जी से, हे गुरु जी, उपाय कीजिए, बड़ी समस्या आ गई है। अगर कोई कहे दुल्हा कहाँ है तो हम लोग क्या बोले। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने भरत जी को कह दो, राम और भरत एक ही समान है, भरत जी को बता दीजिए यही दुल्हा है। फिर सबको दुल्हा मिल गया, फिर मोछवा टाइट कर लिया, फिर मोछ सब दुल्हा बारात वाले ऐसे फिर चल दिए आगे गए। और आगे गए मोछ ऐठ कर, तब तक आदमी ने पूछा, कहां से बारात आ रही है? तो कहां से बारात आ रही है तो सबने कहा, बारात छोड़िए, दुल्हा बताए कहां है। अब तो दुल्हा मिल गया है, दुल्हा बताए कहां है। सबने कहा, नहीं हमको दुल्हा नहीं चाहिए, कहां बारात से बारात आ रही है? अयोध्या से। कहां जाएगी? जनकपुर। कब शादी है? लफेर मुछवा डाल, तारीख तय नहीं, कहिया बारात है, अभी डेट कहां फिक्स हुआ है? रास्ते में विनोद करते करते बारात मिथिला में पहुंची। मां जानकी जी ने सारी व्यवस्था सिद्धियों के द्वारा कहके बना दिया व्यवस्था। सब लोग आराम से रास्ते में जनकपुर नजदीक आते आते प्रसाद पाने लगे, चूड़ा दही दूध। फिर जनवासा बना, वहां आए, चारों भाई मिले, पिता जी को प्रणाम किया, राम जी लक्ष्मण जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, आनंद के सागर में डूब गए। और फिर बारात की तैयारी चलने लगी। जब बारात की तैयारी चलने लगी तो कहा बराती ने आकर के, दूल्हे को ले चला जाए। दूल्हा कहा कि राम जी थे, कहे कि हम पैदल जाएंगे, लक्ष्मण जी थे वहां बोलने वाले, दूल्हा पैदल जाएगा। तो कहा कि किस पर जाएगा? तो घोड़ा पर, दूल्हा घोड़ा पर जाएंगे जनवासी से द्वार तक। वहां सखिया थी, सबने कहा घोड़ा लाए हैं। राम जी ने कहा, ससुरारी का धन है, बैठाइए। सखियों ने कहा, ठीक है, चलिए बैठी। घोड़े पर बारात गई, द्वार पूजा हुआ, द्वार पूजा होने लगा। और यहां पर चारों दुल्हा जैसे लग रहे हैं, चारों राजकुमार, आनंद का सागर भर गया जनकपुर में, आनंद का विषय बन गया। और आरती लगाया गया, आरती की थाल सजाई गई, आरती किया गया, मंडप में बैठाया गया। और जब मंडप में बैठाया गया तो नाउन को बुलाया गया, और नाउन जो थी नख काटने लगी। आनंद में राम जी के नाखून को काट रही है, जिस श्री नख से मां गंगा जी का प्रगट हुआ है। नुह काट रे नहुनिया सुमंगल घड़ी, नुह काट रे नहुनिया I'm not afraid of the dark.
नाम मजाक करेंगे, नाखून काटेंगे तो नेक होगा। राम जी मुस्कुरा रहे, मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या नेक चाहिए? वह नाम कहने लगी कि नेक हमको यही चाहिए, मैं अकेली हूँ, थक जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी माता जी और हम बराबर हो जाए। लक्ष्मण जी समझे नहीं, कहा समझाइए क्या कर रही है। नाऊ ने कहा कि आपकी तीन माता हैं, हम अकेले हैं, एक माई को जनकपुर भेज दीजिए, हम दो गो सबत हो जाएंगे और आपकी माँ भी दूसरा बराबर। मजाक कर रही है सर। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते थे, इतना पर बड़े भड़कते थे। फिर जनक जी ने पूछा कि तीन आपके वशिष्ठ से पूछा कि मेरे पास और तीन पुत्रियां हैं और इधर भी तीन पुत्र हैं, चारों की शादी हो जाए तो कितनी अच्छी रहेगी। कहा कि वशिष्ठ जी ने कहा सही बात है, और उनके मुख से निकल भी गया था रास्ते में कि भरत जी को दुल्हा बता दिया जाए, तो भरत जी को बता दिया तो बनना ही पड़ेगा दुल्हा। चारों भाइयों के लिए चारों लड़कियों को लाया गया। अब सखियां विनोद कर रही है कि पल्लव से अपनी अपनी पत्ति पर पल्लव छोड़िए, आप लोग पहचानिए। श्रृंगार करके तीनों माताएं बैठी हुई थी, राम जी ने पल्लव छोड़ा जानकी जी पर। सखियों ने पूछा आप जान रहे हैं कि आप ही की होने वाली अर्धांगिनी हैं? राम जी ने कहा आप जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? राम जी ने कहा दो बार देखे हैं, एक पुष्पवाटिका में, धनुष यज्ञ में, तो हाइट पता चल गया, भले ही घूंघट हो लेकिन पता चल गया। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी है मेरी पत्नी और सबसे बड़ा मैं हूं, वैसे ही पता चल गया। तब भरत की बारी आई, भरत जी आप पल्लव छोड़िए। भरत जी ने पल्लव छोड़ा, सखियों ने पूछा आप पहचान रहे हैं? तो हाँ, कैसे? तो मुझे भैया पर भरोसा है, भैया के आशीर्वाद के भरोसे, यह राम का दास बस राम के भरोसे चलता है, बहुत कम बोलते हैं भरत जी। सखियों ने कहा ठीक है, मांडवी के साथ बैठा दिया गया। अब बच्चे शत्रुघ्न जी से पूछा गया आप पल्लव छोड़िए, शत्रुघ्न ने पल्लव छोड़ा। सखियों ने पूछा आप कैसे पहचाना? शत्रुघ्न जी ने कहा कि मैं सबसे भाई मैं छोटा हूं, तो मेरी वाली भी सबसे छोटी ही होनी चाहिए। इसलिए अब बच गए मात्र लक्ष्मण लाल। लक्ष्मण जी को बोला कि आप पल्लव छोड़िए। लक्ष्मण जी पल्लव छोड़े, अब अंदर से घूंघट में सीटी आवे। लक्ष्मण जी ने कहा सीटी क्यों मार रही है मेरी दुल्ही? सबने कहा कि जितना आप चलाक है बोलता उतने ही दुल्हनियों चलाक है। जैसे जयमाल जैसे फूल पल्लव छोड़ा और कहा कि अपनी पत्नी को देख लीजिए, लक्ष्मण जी जैसे गए वहां एक बूढ़े आदमी को अंदर बैठाया गया था साड़ी पहना के, मजाक करने के लिया रखे, पीछा कर लगा चले लक्ष्मण जी आप ही साथ चलेंगे, हम आप ही साथ। लक्ष्मण लगे भागने, विरोध किया है सखियों ने। फिर उर्मिला जी को बुलाया गया और चारों सखियों को बैठा दिया गया मंडप में, माड़ों में, और इन लोगों को थोड़ा माड़ों से बाहर हल्दी लगाया जा रहा है चारों मैया को। आज जना